अस्सलाम जी, दिस इज वी आर आरजे शान और फिर से हम कोई नए सफर के साथ और एक बहुत ही रूहानियत भरा सफर। आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दिख रही होगी यहाँ हमारे बैकग्राउंड में, बैक साइड देखिए हमारे। आप अगर ये मज़ार पाक को, ये मुकद्दस बारगाह को नहीं जानते तो डेफिनेटली ये वीडियो आप देखें और आपको बहुत रूहानी फैज़ हासिल होगा इस बारे में जानकर ही। बिल्कुल, जैसा कि मेरे वो ओए गांव वाली वीडियो में एक हमें दरगाह मिली थी और उस टाइम मैंने कहा था ऐसी वीरान जगहों पे जहाँ कोई नहीं होता वहाँ होते हैं सूफी जो खिदमत खल करते हैं। तो वैसी ऐसी जगहों पे हम फिर से आए, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा उतना हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की चीज़ें, सरकार के वाक़ात जो भी यहाँ से गुजरे हैं, क्या वाक़ा था जो हम तक पहुँचे, हमें पता चले हैं, हम वो आप तक का ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। जी बिल्कुल। अरे एडिटर साहब प्लीज रिवर्स, हमारा सफर दिखाते हैं यार तुम्हें। अच्छा, फ्लैशबैक। आज हम खड़े अपने ट्राईपॉड के साथ एक नए सफर के लिए जस्ट करीब टू जोई नगर, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बहुत ही रूहानी सफर पे। कहाँ जा रहे हैं शाहरुख? हम पुणे शरीफ। आप चल के वहाँ देखे, वहाँ का मंजर, पहली बार हमारा बुलावा आया सरकार की तरफ से और अनएक्सपेक्टेडली हम लोग वहाँ जा रहे, कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो खैर मजा आएगा मेरे भाई, साथ में चले। और हाँ, कोई भी बुजुर्गाने दीन की आप हस्ती पे जाते तो घर से निकले ना, तो घर से निकलने से पहले ही आप इजाज़त ले लें, इजाज़त तलब करें कि हम आपके वहाँ आ रहे हैं, बाद अब आने की तौफीक दें। इट इज़ नॉट बिना एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट परमिसेबल जस्ट फॉर अदब पर्पस, अदब से। चले रस्ते में मिलेंगे, रास्ता कैसा रहेगा बताएंगे, रस्ते का सफर का मजा लेते और वहाँ का रूहानी। सफ़र का आगाज़ मुंबई से होते हुए सूरज शम्स की तरह उरूज पे आ रहा है। भाई मॉर्निंग की छह, वो भी ठंडी में 90 डिग्री सेल्सियस। चल भाई चाय, चाय बस। अभी हम कलमबोली क्रॉस किए मेरे भाई, आने वाली है लोनावला की घाटियां। इफ इन केस आपको कोई इमरजेंसी लगती है तो ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है। भाई काफ़ी टाइम बाद अप्रॉक्स 1 आवर्स हम लोग यहाँ पर तलेगांव पहुँचे। करें अभी फाइनली तलेगांव पहुँचे, फूड प्लाजा पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, टॉयलेट वगैरह खाना पीना थोड़ा हो जाए उसके बाद आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। और पीछे देखिए हमारे पीर भाई मौजूद हैं, वो भी यहाँ तशरीफ लाएँ। और हम लोग आई थिंक 3 गाड़ियों में डिवाइडेड हुए बिकॉज अप्रॉक्स जो पीर भाई के हैं 17 to 20 अप्रॉक्स है, तो 3 गाड़ियों में हम डिवाइड हो गया आगे पीछे इंतजार करते हुए काफी अच्छे से। और एक्सप्रेस हाईवे के घाट से यहाँ वहाँ होते हुए एग्जैक्टली आपने देखा भाई। खैर चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई। After this, no more expression. Now we are at Solapur Express Highway. यहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटा जाएगा and let's see.
हाँ सो भाई फाइनली वी हैव रीच एट सोलापुर एक्सप्रेस हाईवे। यहाँ से एक गली, ईशान प्लीज कम हियर दिस साइड, यहाँ पर एक गली है, वहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता फ्रॉम हेयर जहाँ दरगाह शरीफ है, जो गांव का नाम है खोर। और देखिए पीछे साइड और भी पीर भाई लोग निकले हैं, पहले हम लोग पहुँचे और करेंटली अभी हम लोग थोड़े टाइम के लिए मतलब फ्रेशन अप होने के लिए शिवनेरी मेसर यहाँ पे हाईवे के पास ही करीब में एक होटल है और रेस्टोरेंट भी है, तो हम वहाँ पे स्टे करेंगे फॉर अ व्हाइल एंड देन विल गो। स्टिल इज इट नॉट कंफर्म, हम लोग जाके कंफर्म करेंगे ये यहाँ पर रुकना है। कंफर्मड आई गेस, या माइट बी इट गॉट कंफर्म, वी हैव टू चेक फर्स्ट देन वी विल लेट यू नो एंड वी विल शो, सॉरी वी विल शूट, वी विल शो, आई एम सॉरी प्रोनंसिएशन, वी विल शूट सम ग्लिम्स ऑफ द होटल एंड आप उसको देखें, और अगर आप कभी ऐसे जाते हो तो आपको एक मिल जाएगा चांस मतलब समझने का कि exactly. आना है ना या नहीं आना है यहाँ पर। परफेक्ट जी, चले अंदर की जाने। ये वो अशरफी राहे हैं जहां आशिकों की रूहें खुश हो जाती है। दौराने सफर हमारे बाबा ने एक बात कही, रस्ते भर रोते रोते मुझसे पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। यहाँ देखिए वजू खाने का भी एहतमाम किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी बारगाह में जाने से पहले खुद को पाक कर लिया जाए जाहिरी तौर पे और बातनी तौर पे। शाह मदनी की अता है सूफी इकबाल शेर। अब जो वक्त हो रहा है वो बहुत मुकद्दस वक्त है, क्योंकि 3:10 पे आप साहिबे मजार की रूह परवास कर गई थी, और इस वक्त से किबल कुछ वक्त पहले ही हमारे पीर हजरत कौसर अली अशरफी ने खानदान चिश्त और अशरफिया का एक जिक्र जिसमें 4 खास अस्कार होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, अल्लाहु हक्कु का जिक्र करवाया। ये वो जिक्र है जो कौनेन के वाली मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से होता हुआ, हज़रत अली मुर्तदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से होता हुआ, हज़रत हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से होता हुआ, और फिर तरतीब वार साहिब मज़ार तक पहुँचा। फिर साहिब मज़ार से होता हुआ पीर व मुर्शिद हज़रत कौसर अली अशरफी तक पहुँचा। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह
जिक्र के बाद मुराकबा होता है जिसमें हम तसव्वुर शेख करते हैं। आप साहिब मज़ार का दस्तूर अमल यही रहा कि आप भी बाद नमाज हमेशा तसव्वुर शेख में गर्क रहते। सूरत सीरत में हर एक दाविये से दोस्त तो अपने मुर्शिद में फना है, सूफी इकबाल अशरफी अपने ये मंजर संदल शरीफ के बाद का है, जैसे मानो आसमान में एक अलग ही नूर हो। हम लोग जिस जगह पे है वो पूना से 70 किलोमीटर की दूरी पर शोलापुर रोड पर यवत से खौर गांव की तरफ हम लोग इधर हमारे दादा पीर के मज़ार पे दरगाह पर आए हुए हैं। इनके चंद वाक़यात में से मैं एक वाक़यात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप वीराना देख रहे हो, इसका जो जंगल और पहाड़ी जैसा ये इलाका है, यहाँ पर पहले बारिश बहुत कम होती थी। दादा पीर के कदम मुबारक की वजह से यहाँ पर इतनी बारिश होने लग गई कि एक फसल साल में आराम से हो जाती है एक फसल, और यहाँ आबादी भी बहुत कम थी। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आसपास में बड़ी बड़ी जो प्लांट बन रही है और आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर गांव के गांव बस चुके हैं। ये हमारे दादा पीर मोहम्मद इकबाल अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकत की वजह से है। सो भाई आपने देख लिया होगा मंजर, जो दरबार का मंजर था बहुत ही खूबसूरत था माशाल्लाह। चूँकि जो महफिल है वो बाद नमाज मगरिब होगी यानी एट इवनिंग, तो डेफिनेटली हम इवनिंग में ही शूट करेंगे जनाब, तो शायद से हमें मिलना चाहिए इवनिंग में, क्यों भाई? तो हाज़री करने के बाद हम लोग आकर मस्त आराम कर चुके हैं, अभी सनसेट हो रहा है, मगरिब का वक्त लगने वाला, तो फिर सीधे वहाँ मिलते हैं इंशाल्लाह। चल का देखिए खूबसूरत सा रात का मंजर, जहाँ पर लंगर का एहतमाम किया गया है, और हाँ एक बड़ी हस्ती भी आने वाली है, तो उसका आप बिल्कुल इंतजार करें।
और जैसे एक सच्चे वली का मर्तबा होता है और एक सच्चे वली की कैरेक्टरिस्टिक जैसे होती है, वली यानी गॉड्स फ्रेंड, अल्लाह का दोस्त, वैसे ही हमारे दादा पीर, हमारे ग्रैंड प्रीचर मोहम्मद सूफ़ी इकबाल साहब, सूफ़ी मजाज, और इन्होंने अपनी कुल ज़िंदगी में सूफ़ीज़म के पाथ को बहुत फॉलो किया। और सूफ़ीज़म में सबसे मेन पाथ होता है अपनी नफ्स का उलट करना, यानी सेल्फ लव से ज़्यादा दूसरों के लिए ज़िंदगी जी जाए। तो अपनी कुल ज़िंदगी इन्होंने दूसरों की तबलीग के लिए जी, और इन्होंने अपने सेल्फ के साथ लड़ा ऐसे जैसे रोज़मर्रा में अगर देखें गर्मी में हम लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, तो इन्होंने ठंडी में ठंडा पानी और गर्मी में गर्म पानी पिया। इस कदर इन्होंने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया जिसका कुरान में भी इरशाद आता है। तो ये अजीम ज़ात की मज़ार पाक। और फिर यहाँ आमद हुई सादात के चौचा हजरत सैयद राशिद अशरफी मक्की साहब की। चले इनकी आमद के नूर से फैज़याब होते हैं। ये हजरत आप शेखुल इस्लाम उर्फ मदनी मियाँ साहब के भतीजे हैं। सूफ़ीज़म मतलब जनरली इस्लाम के लिए इस्लाम से निकला हुआ एक मौजू है, बट ये हर एक रिलीजन में हर एक टाइप के लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर आप इन डीप जाएँ तो आप अगर सूफ़ीज़म पसंद करते हैं या आप मेडिटेशन पसंद करते हैं या आपको गॉड को फील करना पसंद है, नेचर को फील करना पसंद है, तो वी हैव समथिंग फॉर यू। दिस इज़ अ शाउट आउट which is a promotion for our channel firstly. Yeah, not our channel. ये हम उनको shout out दे रहे हैं कि हमारे लिए खुद के लिए promotion. जी, so हमें इजाज़त मिली, हमारी क्या औकात थी भाई। रूहानी शिफा खाना देखे, description link में channel mention रहेगा, आप वहाँ पर जाएँ visit करें। related to Sufism, related to बुजुर्गान दीन, जो हमारे बुजुर्गान दीनों ने जो उनकी ज़िंदगी में वाक़ियात गुजरे हैं, कितनी उन्होंने रियादतें की, कितनी उन्होंने परसिस्टेंस के साथ मेहनत की, वो सारी चीज़ें, उस चीज़ के वाक़या आपको बयान में मिलेंगे। इन शॉर्ट सूफीज़म रूहानी शिफा खाना। सो आपको अगर पसंद है तो डेफिनेटली आप उस लिंक पर क्लिक करें, फॉर श्योर यू गोइंग टू लाइक द चैनल। सो क्या आ रहे हैं हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पीर भाई ने हमें इलाहाबाद से चले भाई, चलते हैं 12:30 तो ये सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग और अ शॉर्ट वीडियो वंस अगेन। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें, अस्सलाम।